नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मिड कैप स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि आपने कमेंट में कई बार बोला कि सर मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बताइए, तो हम आपको इस वीडियो में मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि इसमें आगे ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। तो ऐसे ही मिड कैप स्टॉक्स लेकर के हम आपके लिए आए हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो टॉप मिड कैप स्टॉक्स है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ हम आपको स्टॉक मार्केट के सारे अपडेटेड जो न्यूज आते हैं वो आपको डालते रहते हैं, तो वहाँ जुड़ जाइए। यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और जो नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है उसके कारण आप हमारे इस चैनल पे आकर के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उसे देख करके स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो चलिए हम मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा महानगर गैस। दोस्तों, महानगर गैस बहुत ही बेहतरीन स्टॉक में से एक है, और इसके हम सारे जो पैरामीटर्स है, मतलब जो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कल के वीडियो में कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे आपको स्टॉक को देखनी चाहिए, जो मतलब 10 पैरामीटर्स है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कैश फ्लो आपको हमेशा कंपनी का देखना चाहिए, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, और बहुत बहुत सारे पैरामीटर्स है। जो 10 पैरामीटर्स है उसको हमने कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जा करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक को बाय करने से पहले ये 10 पैरामीटर आपको देखने चाहिए। तो महानगर गैस, इसका हम देख लेते हैं ईयर टिल डेट का रिटर्न। देख सकते हैं ईयर टिल डेट में फ्लैट है, जहाँ बहुत सारे स्टॉक में अभी भी करेक्शन है आपको, तो वन ईयर में भी देख लीजिए ये फ्लैट ही रहा है। फाइव ईयर्स में देख लेते हैं, फाइव ईयर्स में कितना परसेंट का रिटर्न ये दे रहा है, देख सकते हैं 114%, मतलब 1,00,000 रुपया अगर 5 साल पहले लगाए रहते तो अभी ये आपका 1,14,000 रुपया होता। उसके बाद मैक्सिमम ईयर में हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम ईयर मतलब ये हमारा जो मैक्सिमम ईयर की बात करें तो ये 2017 में ही लिस्ट हुआ है, तो इसका लिस्टिंग ज़्यादा पुराना नहीं है। तो कुछ इस तरह का महानगर गैस का चार्ट है, जो कि अभी ज़्यादा मतलब इसमें प्राइस में मोमेंटम देखने नहीं मिला है, अभी 5 साल में मात्र ये 114% का रिटर्न दिया है। उसके बाद हम इसके बैलेंस शीट की बात करें, तो आप इसके बैलेंस शीट को चलिए हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट पर दिखाते हैं कि ये मतलब कितना डेप्ट है कंपनी के पास, कितना इक्विटी है, तो हर चीज़ आप बैलेंस शीट पर देख सकते हैं। तो यह हमारा मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, उस पर हमने आए हुए हैं। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, तो टोटल शेयर कैपिटल तो देख सकते हैं 98 करोड़ का है, और रिजर्व देख सकते हैं, रिजर्व और सरप्लस 2,853 करोड़ का है रिजर्व और सरप्लस। उसके बाद नीचे चलते हैं, अगर आप ओल्ड वर्सन में देखना चाहते हैं तो यहाँ ओल्ड में जाएंगे, ओल्ड में क्या होता है डेप्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ऐसे डेप्ट देखना चाहते हैं तो उसी में लाइबिलिटीज में आपको देखना पड़ेगा। तो ओल्ड वर्सन में यहाँ पर डेप्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा, देख सकते हैं जीरो डेप्ट, तो कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है, तो कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद कैश और देख सकते हैं बैंक बैलेंस 229 करोड़ है। तो इस तरह से जो मतलब कम से कम पैरामीटर है, जो 10 पैरामीटर से कम से कम आपको देखना चाहिए वो ज़रूर देख लेनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं बुक वैल्यू कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, बुक वैल्यू काफ़ी 298 पर पहुँच चुका है। उसके बाद अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं जैसे कॉर्पोरेट एक्शन, तो कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपको सारे कॉर्पोरेट एक्शन देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेट एक्शन पर आ चुके हैं, देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन मतलब बोनस कब दिया है, स्टॉक स्प्लिट कितना हुआ, डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं रेगुलर कंपनी डिविडेंड दे रही है, 2008 में 2 बार दी है, 2019 में 2 बार दी है, 2020 में 1 बार दी है, और इसका यहाँ स्प्लिट पे जा करके देखते हैं कभी भी ये स्प्लिट नहीं हुआ है, तो मतलब फेस वैल्यू 10 होगा, जो कि आप वैल्यूएशन पे जाकर देखते हैं, कभी बोनस नहीं दिया है, तो फेस वैल्यू कितना है, यहाँ पर वैल्यूएशन पर क्लिक करके यहाँ देखते हैं फेस वैल्यू 10 है, तो जब फेस वैल्यू 10 है तो डिविडेंड कितना शानदार दिया है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, कि जैसे 110% दिया, मतलब 11 रुपये का डिविडेंड, तो 11 रुपये का डिविडेंड दिया है। फिर देख सकते हैं 80% 2018 में दिया था 8 रुपया, तो हो गया आपको 20 रुपये के आसपास डिविडेंड, तो अप्रॉक्स ये 20 रुपया 19 रुपये के आसपास डिविडेंड देती है हर साल।
तो वह यहीं पर वैल्यूएशन पर क्लिक करके आप पी रेशियो देख सकते हैं, पी रेशियो कितना है इसका, इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है, इंडस्ट्री की पी रेशियो सभी ये सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। तो हमने कई सारे मतलब जो सारी रिपोर्ट है आपको जो देखना है वो आप यहाँ पर मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आकर के देख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कैसे आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर सारी चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर सारा देख सकते हैं। यहाँ पर चार्ट देखना है, टेक्निकल देखना है, कॉर्पोरेट एक्शन देखना है तो कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक कर सब देख सकते हैं, न्यूज़ देखना है, फाइनेंशियल देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके, आपको रेशियो देखना है फाइनेंशियल में तो रेशियो पर क्लिक कर देंगे। जो रेशियो हमने पीछे बताया था कि आपको अर्निंग पर शेयर देखना चाहिए, पी रेशियो देखना चाहिए, तो ये सारे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट तो जीरो है कंपनी के पास, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं। और यहाँ से अर्निंग पर शेयर देखते हैं, अर्निंग पर शेयर है 80 का, जो काफ़ी इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयर से भी, क्योंकि यहाँ ईयर के आधार पर दिया है, पिछले साल के आधार पर काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी देखते हैं जीरो, क्योंकि कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं। तो जो कंपनी के पास डेप्ट नहीं है तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि कंपनी के पास डेप्ट नहीं है तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सुरक्षित रह सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है बिजनेस में ग्रोथ है, मैनेजमेंट अच्छा है, ये चीज़ देखना है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो कभी भी मतलब अपना शेयर प्लीज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो शेयर प्लीज है कि नहीं, यहाँ शेयर होल्डिंग पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि शेयर प्लीज है या नहीं है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पर क्लिक किए देख सकते हैं कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। तो मनी कंट्रोल एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आप हर चीज़ देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस, मतलब यहाँ रेडीमेड रूप में आपको सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ निकल जाता है, आपको कैलकुलेट यहाँ करना नहीं पड़ता है, सारा चीज़ कैलकुलेशन किया हुआ आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये था हमारा महानगर गैस। अब दूसरा हम स्टॉक चलते हैं, तो इसी तरह आपको सारे पैरामीटर्स पे कंपेयर करना है हर स्टॉक को। तो दूसरा है हमारा है जुबिलेंट फूडवर्क्स। जुबिलेंट फूडवर्क आज देखते हैं जो करेंट प्राइस है इसका 1758 रुपीज़, अभी मार्केट ओपन है तो लगातार देखते हैं घट बढ़ रहा है, 1771 रुपीज़ हो गया, काफ़ी गिरावट आया तो कुछ रिकवरी इसमें हुआ है। वहीं महानगर गैस का करेंट प्राइस क्या था, 1078 रुपीज़। अब जैसे महानगर गैस आपको ख़रीदना है तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें करेक्शन आने का। तो हम यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाते हैं, आपको किस लेवल पर बाय करना चाहिए ये भी थोड़ा हिंट देते हैं कि जब भी करेक्शन आए तब बाय करें, तो आप जो अपना रिसर्च भी ज़रूर कर लें। तो अब जब हम बात करते हैं जुबिलेंट फूड को आप किस प्राइस पर खरीद सकते हैं, तो जुबिलेंट फूड में अभी जो हमारा सिनेरियो है मार्केट का उसके अनुसार इसमें वेट करना चाहिए। आपको देख सकते हैं कि ये अभी जो हमारा 2017 है उससे काफ़ी रिटर्न ये दे चुका है 277% का। उसी तरह से मैक्सिमम की बात करें तो ये भी ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, तो ये 2010 में लिस्ट हुआ है, 2010 से अभी तक में देख सकते हैं कितना परसेंट ये रिटर्न दिया है, देख सकते हैं 1442% का रिटर्न 10 साल में दे दिया है। तो ये आपके जो आप जो इन्वेस्ट किए रहते हैं उसको 14 गुना कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा ये भी स्टॉक्स है, बोनस भी दिया है एक बार, डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं 0.34% का डिविडेंड यील्ड है। तो जुबिलेंट फूड भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें जो बैलेंस शीट है उसमें शेयर कुछ प्लेस्ड है। तो चलिए हम बैलेंस शीट आपको दिखा देते हैं। तो जो न्यू फॉर्मेट है, न्यू फॉर्मेट में बैलेंस शीट कैसे देखेंगे, देखिए टोटल शेयर कैपिटल, तो ये भी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है वो 133 करोड़ का। तो यहाँ पर रिजर्व और सरप्लस जो ये कंपनी रिजर्व रखा है इतना रुपया 1050 करोड़ ये भी मतलब लाइबिलिटीज़ है। तो टोटल शेयर होल्डर का फंड कितना हो गया 1182 करोड़, तो ये लाइबिलिटीज़ है कंपनी का। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ है 1508 करोड़, तो जो टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है तो वो हो गया हमारा 1508 करोड़। अब टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज़, तो टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर देखते हैं 707 करोड़ जो है मतलब करेंट लाइबिलिटीज़ है, और जो यहाँ पर आपने देखा कि टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ये करेंट लाइबिलिटीज़ है 707 और यहाँ पर जो 1508 करोड़ है वो करेंट लाइबिलिटीज़ है। तो इस तरह से टोटल मतलब आप जो है यहाँ से मतलब डेप्ट लाइबिलिटीज़ जो कि एक डेप्ट है क्योंकि कंपनी को चुकाना है वो सारा का सारा, तो यहाँ से टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज़ मतलब शेयर होल्डर्स का जो
फंड है प्लस जो लाइबिलिटीज है सब जोड़ करके कितना हो गया 3398। तो सिर्फ आपको लाइबिलिटीज लेके चलना है, शेयर होल्डर का फंड को नहीं देखना, क्योंकि वो तो हर कंपनी के पास जो भी स्टॉक लिस्टेड है सबके पास होगा। जो रिजर्व और सरप्लस है प्लस जो शेयर कैपिटल है वो तो वापस देना है जो इन्वेस्टर है, मतलब जो शेयर होल्डर है, तो उसको छोड़ करके जो भी लाइबिलिटीज है यहाँ पर देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज दोनों कंपनी के लिए एक तरह से डेब्ट है जो कि उसे चुकाना है। उसके बाद हम यहाँ से आप जो देखना है यहाँ पर देख सकते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी का कितना है 51 करोड़। यहाँ से कैश एंड और कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास कितना है 639 करोड़। तो रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा है और कैश और कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा है। उसके बाद आपको जो भी देखना है कॉर्पोरेट टैक्सन देखना है तो कॉर्पोरेट टैक्सन पे क्लिक कर दीजिए, और जो भी कंपनी का चीज़ देखना है वैल्यूएशन देखना है तो वैल्यूएशन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले वैल्यूएशन देख लेते हैं। वैल्यूएशन में यहाँ पर पी रेशियो देखते हैं 84 का है, इंडस्ट्री का मात्र 60 का है, तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। बुक वैल्यू देख सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं फेस वैल्यू 10 का है और डिलीवरी मात्र 19% का है। तो उसके बाद यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्सन देखना है तो कॉर्पोरेट टैक्सन पर क्लिक कर दीजिए। कंपनी डिविडेंड रेगुलर डिविडेंड पे करती है, देख सकते हैं 19, 20, 18 देखते हैं 60% मतलब 6 रुपया, यहाँ 5 रुपया कंपनी लगातार डिविडेंड पे की है। उसके बाद बोनस भी कंपनी 2018 में पे किया। उसके बाद यहाँ स्प्लिट, तो स्प्लिट पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक कभी स्प्लिट हुआ ही नहीं है। तो एक बार कंपनी बोनस दिया है, स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, डिविडेंड रेगुलर देती है कंपनी। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ है सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग में जाकर के आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मार्च 2019 में 12% शेयर प्लेज था जो कि धीरे 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 कम हो गया, लेकिन सेप्टेम्बर यहाँ दिसंबर क्वार्टर है ही नहीं, दिसंबर क्वार्टर गायब है। यहाँ से अभी 3.61% है शेयर प्लेज्ड, तो काफ़ी प्लेज्ड शेयर घटा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सारे पैरामीटर्स देखने के बाद आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इस तरह आपको सारे जो मतलब स्टॉक्स है उसमें आपको सारे के सारे चीज़ देखना चाहिए। तो अब हम आगे के जो स्टॉक्स होंगे उसमें सिर्फ मतलब डेप्ट आपको दिखाएंगे, सिर्फ डेप्ट कि कंपनी के पास कितना डेप्ट है, और तेज़ी से आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए तो अब अगला चलते हैं एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म में चार्ट में देखिएगा कितना बेहतरीन चार्ट है, देख सकते हैं पहले से काफ़ी ये अंडर परफॉर्म रहा था और 3 साल से पूरा ऑटो इंडस्ट्री अंडर परफॉर्म है, लेकिन ये अपने 52 वीक हाई पे है। समझ सकते हैं जहाँ ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी अंडर परफॉर्म है वहीं एस्कॉर्ट अपने देख सकते हैं 52 वीक हाई मतलब ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स है। अब इसका डेप्ट और देखना है तो आपको जाना है मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, जिससे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाना है तो आप ओल्ड वर्सन या देख लीजिए या न्यू वर्सन देख लीजिए। ओल्ड वर्सन में आपको सीधा सीधा डेप्ट लिखा हुआ मिल जाता है, न्यू वर्सन में आपको लाइबिलिटीज़ में मिलता है, करेंट लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब जो करेंट लाइबिलिटीज़ है और एक नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है, उस रूप में आपको डेप्ट को देखना रहता है। और ये ओल्ड फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डेप्ट पूरी तरह से अलग से लिखा हुआ मिल जाता है कंपनी के पास कितना डेप्ट है। तो यहाँ से देख सकते हैं रिजर्व कंपनी के पास 3,357 करोड़, और जो डेप्ट है कंपनी के पास वो तो निगलिजिबल है। पहले कंपनी के पास डेप्ट था जो कि रिमूव कर दिया, अब मात्र 6 करोड़ का, वो तो कुछ नहीं, कंपनी के पास रिजर्व ही 3,000 करोड़ में है तो 6 करोड़ डेप्ट कोई डेप्ट नहीं है, वो तो मामूली डेप्ट है। और कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हैं 318 करोड़, मतलब कंपनी का फंडामेंटल्स में काफ़ी सुधार हुआ है, इसी कारण इसके प्राइस में आपको काफ़ी तेज मोमेंटम देखने मिल रही है। उसके बाद हम चलते हैं अगला चोलामंडलम फाइनेंस, ये भी एक बेहतरीन ग्रुप है और इसका रिटर्न देखिएगा तो देख सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, देख सकते हैं 6,000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चोलामंडलम फाइनेंस। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका अगर आप देखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट कैसा है, कितना डेप्ट है कंपनी के पास, शेयर भी प्लेस्ड है, तो आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर ओल्डर फॉर्मेट या न्यू फॉर्मेट जिसमें देखना है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखते हैं ये चोलामंडलम फाइनेंस रिजर्व कितना है कंपनी के पास 8,000 करोड़ का, तो समझ सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर लोन की बात करें सिक्योर लोन 55,000 करोड़ का, देख सकते हैं डेप्ट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है 55,000 करोड़ का,
वही कैश और कैश और बैंक बैलेंस देखें तो ये देखते हैं 7,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है, तो इसलिए आपको इसका डेप्ट और इक्विटी रेशियो भी देख लेना चाहिए। और बुक वैल्यू देखते हैं, कंपनी का काफ़ी गिरावट आया देखते हैं, जहाँ 394 करोड़ था बुक वैल्यू, वहीं 99 करोड़ पर आ चुका है। तो इसलिए आपको सारे जो सिनेरियो है वो उस पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे भी ये फाइनेंस कंपनी है तो इसके पास तो लोन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कारोबार ही फाइनेंस की करती है, लेन देन का करती है। मतलब इधर से लेना, एक कस्टमर से लेना, दूसरे कस्टमर को देना, और बीच में जो मार्जिन होता है वो अर्न करता है, इंटरेस्ट का जो मार्जिन होता है। काफ़ी बैंक में फाइनेंस NBFC में आपको इंटरेस्ट मार्जिन दिखाते हैं कि 3 पॉइंट किसी का रहता है, किसी का 3.5 रहता है। वो इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी मैटर करता है, जिसका जितना इंटरेस्ट मार्जिन रहता है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। तो ऐसे कंपनी के पास डेप्ट आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगला है हमारा बाटा इंडिया, एक सबसे बेहतरीन स्टॉक्स, क्योंकि इसका जो ब्रांड है, उसका जो ब्रांड है वो काफ़ी मार्केट में डोमिनेट करता है। तो जैसे हमारा सिचुएशन नॉर्मल होता है, ये इस स्टॉक में आपको रिकवरी बहुत ही फास्ट दिखेगा। तो ये भी स्टॉक देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बेहतरीन, देखते हैं 4000% 5000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो ये है बाटा इंडिया का बैलेंस शीट, यहाँ पर रिजर्व देखिएगा तो 1800 करोड़ का रिजर्व है बाटा इंडिया के पास। फिर नीचे चलते हैं तो डेप्ट जो है कंपनी के पास बिल्कुल जीरो है, और फिर नीचे चलिए तो कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास है 962 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू देखिएगा, काफ़ी बुक वैल्यू इंक्रीज हुआ है, 147 करोड़ का बुक वैल्यू हो चुका है कंपनी के पास। तो ये सारी चीज़ें हैं ये बाटा इंडिया का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये अपने बैलेंस शीट पर। तो बाटा इंडिया भी मतलब डेप्ट कंपनी के पास जीरो है, बुक वैल्यू भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अगर आप शेयर होल्डिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, देखते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। प्रमोटर्स का 52.96% स्टेक है, प्रमोटर्स का स्टेक 50% अधिक है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा अगला माइंडट्री, IT सेक्टर से ये स्टॉक्स है, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखिएगा तो देखते हैं ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। मैक्सिमम ईयर का चार्ट देख लीजिए, 867% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। और इसी तरह से इसका भी आप अगर देखना चाहते हैं बैलेंस शीट तो यहाँ पर जाएंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। ये देखते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जो रिजर्व है माइंडट्री का वो है 2992 करोड़ का, जो सिक्योर्ड लोन है 566 करोड़ का। तो डेप्ट कंपनी के पास कुल कितना है 566 करोड़ का। वही कैसेट बुक बैलेंस देखिएगा तो 585 करोड़ का है, और वही कंपनी का जो बुक वैल्यू है देखते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस बुक वैल्यू में देखने मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं है कंपनी के पास, डेप्ट भी काफ़ी कम है। कैश और बैंक बैलेंस जो है कंपनी के पास, कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास कितनी है 585 करोड़, तो उतना ही डेप्ट है, तो कोई मामूली डेप्ट है कंपनी के पास, ज़्यादा कुछ खास डेप्ट नहीं है। तो उसके बाद अगला चलते हैं, अगला है टाटा पावर, टाटा ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन। मतलब आगे आने वाले समय में बोला जा रहा है कि जो पावर सेक्टर है उसमें बूम आ सकती है। तो वैसे में हम आपको ये स्टॉक्स बता रहे हैं कि ये भी एक मिड कैप स्टॉक है, जिसमें आगे मतलब अगर ग्रोथ आती है तो ये आपको रिटर्न दे सकता है, नहीं तो ये काफ़ी समय से देख सकते हैं, ये 2009 में जो गिरावट आया है उसके बाद से ही अंडर परफॉर्म रहा है, वहाँ से ये 62% करेक्ट हो चुका है। मतलब इसमें कभी भी तेज़ी देखने नहीं मिला है, पहली बार इस समय इसमें तेज़ी देखने मिल रही है। तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद ज़रूर रिसर्च कर लें, अपना खुद रिस्क पोर्टफोलियो भी देख लें, आप कितना परसेंट रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है। तो ऐसे में अगर परफॉर्म नहीं करता है तो फिर आप इसमें उलझ सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है आगे जो है मेटल सेक्टर और पावर सेक्टर में आगे तेज़ी देखने मिल सकती है, तो ऐसे में आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाटा पावर के बैलेंस शीट का, तो यहाँ पर रिजर्व कंपनी के पास 14,000 करोड़ का है, सिक्योर लोन 16,000 करोड़ का है, तो कंपनी के पास देख सकते हैं डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 16,000 करोड़ का तो रिजर्व भी कंपनी के पास 14,000 करोड़ का है, और बुक वैल्यू देखिएगा तो लगातार कॉन्स्टेंट बना हुआ है, कॉन्स्टेंट मतलब थोड़ा सा कभी गिराव होता है, कभी चढ़ता है, कभी गिरता है बुक वैल्यू कंपनी का। कैश और बैंक बैलेंस 178 करोड़ है, तो ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस। उसके बाद अगला है हमारा ग्लेनमार्क फार्मा, काफ़ी न्यूज़ में रहा है इधर, और ये स्टॉक्स भी
मतलब काफ़ी इधर न्यूज़ में काफ़ी तेज़ी देखने मिला था। देखते हैं ये स्टॉक्स कभी 1000 रुपये का हुआ करता था, काफ़ी दिनों से फार्मा स्टॉक 2015 से ही इसमें करेक्शन देखने मिला था, फार्मा स्टॉक्स अंडर परफॉर्म था, अब इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रही है। तो यहाँ से आप देखते हैं इसमें जो पैंडमिक सिचुएशन के कारण गिरावट आई थी, मतलब अपनी गिरावट से ये 122% तेज़ी दिखा चुका है। तो ऐसे में आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये COVID-19 का दवा मतलब इसके लिए काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट वाला हो सकता है, काफ़ी प्रॉफिट में इम्प्रूव लाता है, तो निश्चित है इस स्टॉक में और तेज़ी देखने आपको मिल सकती है। तो इसमें थोड़ा सा आप अपना खुद का रिस्क और अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें कि आप कितना इसमें रिस्क ले सकते हैं, काफ़ी क्योंकि इस स्टॉक में पीछे काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। अब हम बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के डेप्ट की बात, मतलब बैलेंस शीट की बात। 11,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, डेप्ट 3,000 करोड़ का है, तो समझ सकते हैं डेप्ट मामूली सा है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं कैश और बैंक बैलेंस का, तो 256 करोड़ है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। देखते हैं ये कंपनी ऐसी है जिसका बुक वैल्यू लगातार बिल्डअप हुआ है, तो बुक वैल्यू जो है काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है, तो ऐसे में आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किस प्राइस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको वेट करना पड़ेगा, या आप चाहते हैं तो आप अपने रिस्क के अनुसार कर सकते हैं। अगला जो मिड कैप स्टॉक है हमारा वो है LIC होम फाइनेंस। आगे अभी जो होम फाइनेंस सेक्टर है मतलब फाइनेंस सेक्टर है वो आगे कई सालों तक मतलब आगे जो है उसमें गिरावट देखने मिल सकता है, लेकिन उसके बाद जो है इसमें आपको होम फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने मिल सकती है, क्योंकि हमारा जो यंग जनरेशन है उसे आगे जा करके घर की ज़रूरत होने वाली है, तो ऐसे में आपको होम फाइनेंस सेक्टर में तेज़ी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ ये LIC ग्रुप की कंपनी है, तो आपको सिक्योरिटी भी है इसके साथ LIC की, तो आपको देखना है PE रेशियो देखते हैं मात्र 5 का है, तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन PE स्टॉक्स मिल रहा है। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो ये देखते हैं LIC के बैलेंस शीट पे आए हैं, जो LIC होम फाइनेंस है। अब LIC का भी IPO आने वाला है कुछ दिन में, तो रिजर्व है 18,000 करोड़ का, जो देखते हैं सिक्योर्ड लोन है 191 करोड़ का। जो फाइनेंस स्टॉक है मतलब फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक है, जो होम फाइनेंस हो, NBFC हो, बैंक हो, उसके पास तो आपको डेप्ट देखने मिलेगा ही, क्योंकि वो डेप्ट लेने और फिर उसी को आगे डेप्ट देने का काम करती है, उसी पर इंटरेस्ट मार्जिन अर्न करती है। और बुक वैल्यू यहाँ देखते हैं काफ़ी बिल्डअप हुआ है, बुक वैल्यू कंपनी का काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, आपको अपना खुद का रिसर्च जरूर करना है इन्वेस्ट करने से पहले। अगला है हमारा और लास्ट टाटा ग्रुप की एक और बेहतरीन कंपनी बोल्टास लिमिटेड। बोल्टास इसका रिटर्न देखिएगा तो ये भी काफ़ी लंबे समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देख सकते हैं बोल्टास का रिटर्न कितना है, 7000% का रिटर्न है, देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, जो कि अभी काफ़ी आपको देखते हैं नीचे के प्राइस पर मिल रहा है। इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई हुआ करता था, 52-week हाई देखिएगा 741, अभी आपको 200 रुपया के डिस्काउंट पे मिल रहा है, और आगे अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आता है तो आपको बोल्टास में काफ़ी तेज़ी देखने मिल सकती है, या बोल्टास का ही आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूम आती है तो बोल्टास हो गया, आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब स्टॉक्स मतलब ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी मतलब उसमें ग्रोथ देखने आपको मिल सकता है। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बोल्टास का बैलेंस शीट है, यहाँ पर रिजर्व कंपनी के पास है 3,922 करोड़ का, उसके बाद सिक्योर्ड लोन है 88 करोड़ का। नीचे चलते हैं तो डेप्ट काफ़ी 88 करोड़ का, कोई खास डेप्ट नहीं है कंपनी के पास, मामूली सा डेप्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैश और बैंक बैलेंस 199 करोड़ का बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। बुक वैल्यू देख सकते हैं कंपनी का लगातार बिल्डअप हुआ है, मतलब बुक वैल्यू बिल्डअप हुआ है मतलब कंपनी का बुक वैल्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। तो ये थे टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स, जिसमें से जो आपको 2-4 स्टॉक्स बेहतरीन लगते हैं और आगे लगते हैं कि वो पॉजिटिव रिटर्न देने वाला है, आगे उसमें काफ़ी ग्रोथ है, तो आप उन स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। तो आपको ये 10 स्टॉक्स बताए आपको आपके डिमांड पर, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमें मिड कैप स्टॉक्स भी बताइए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।